तो थीटा स्क्वायर भार लिया तो एन प्लस वन बाय एन आया कि नहीं आया अगर मैं इस पे लिमिट एन टेंस टू अच्छा लिमिट नहीं करनी तो थीटा स्क्वायर के बराबर नहीं आई थीटा स्क्वायर के बराबर तो गलत हो गया ना ये तो अरे यही ठीक है मतलब आंसर नॉट ट्रू है ना तो ये गलत हो गया ये सही हो गया और ये भी सही वैसे ये भी गलत हो गया है ना <laughs> तो ये भी आंसर आ गया पर लेकिन हाँ

तो ये भी ट्रू है कांस्टेंट है ना बेटा कोरोना इसको भी डी पार्ट को भी हो गया अभी वेरिएंस ऑफ एक्स एन आर एट हिटा स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो यस इट इज ट्रू तो हमसे नॉट ट्रू मांग रहा था ना बेटा वो okay, बेटा सैंपल तो हमेशा ही गिवन होता है तभी तो फंक्शन की बात होती है वो तो हमेशा इट इज ऑलवेज ऑबवियस कि सैंपल गिवन होगा आपको। नहीं तभी तो एक्स एन लिख रहा है बेटा गिवन रैंडम सैंपल ऐसे बोलते हैं ना एक्स एन गिवन रैंडम सैंपल या गिवन मीन सैंपल गिवन है तो सैंपल का मीन भी गिवन है वेरिएंस भी गिवन है ये मैं फिर बताऊं तेरे तो को दोबारा से लेट मी एक्सप्लेन यू बेटर वे यूएमवी की बात करते हैं पहले यूएमवी होने के लिए पहले उसको सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स होना पड़ेगा

आ रही है समझ में बेटा दिस इज मच बेटर वे तो यूएमवी तो मुझे लगता है जो बच्चे अटकते थे बहुत सारे कि यूएमवी के क्वेश्चन नहीं होते होते नहीं वो अब हो, हो जाएंगे अब आपके कभी अटकेंगे नहीं बस अनबाज नहीं चेक करनी होते मोटे तौर पे आपको